हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिण प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास इलेवंथ के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है रंगास मैरिस, हम लोग इस लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें उन प्रश्नों में से तीन प्रश्नों को केवल मैंने लिया है इसमें। तो है फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे अराउंड 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, स्क्रीन पर आपके सामने है, कह रहा है कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ रंगास एजुकेशन। कह रहा है कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट, एक संक्षिप्त वर्णन दीजिए या संक्षिप्त वर्णन करिए ऑफ रंगास एजुकेशन, रंगा की शिक्षा के बारे में। His views on marriage, views में होता है दृष्टिकोण, कह रहा है कि शादी पर उसके दृष्टिकोण के बारे में। एंड फाइनली और अंत में हाउ ही गॉट मैरिड, किस प्रकार उसकी शादी हुई, इसमें कह रहा है कि रंगा की शिक्षा के बारे में, शादी के प्रति या शादी के प्रति उसके दृष्टिकोण के बारे में, और अंत में किस प्रकार उसने शादी की, उसकी शादी हुई, इस पर कह रहा है कि एक ब्रीफ अकाउंट दीजिए, मतलब एक संक्षिप्त वर्णन करिए। तो आइए हम इसके आंसर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रंगा वॉज द सन ऑफ एन अकाउंटेंट ऑफ होसाली विलेज। कह रहा जो रंगा था वो होसाली गांव के एक अकाउंटेंट का लड़का था, अकाउंट मतलब लेखपाल, एक अकाउंटेंट का लड़का था। ही मेड न्यूज, कह रहा है कि उसने सुर्खियां बटोरी या कह रहा है कि ही मेड न्यूज, मतलब उसने जो है सुर्खियां बना दी या वेन, जब He went to Bangalore to study, जब वह बेंगलोर पढ़ाई के लिए गया। Further, मतलब आगे की, जब वह बेंगलोर आगे पढ़ाई के लिए गया तो कह रहा है कि he made news, तो उसने जो है सुर्खियाँ बनाई, मतलब ये सुर्खियों में आ गया। लोग जो है, क्योंकि इसके पहले लोग जो है इतना एजुकेशन प्राप्त नहीं किए थे। In those days, उन दिनों not many people could speak or even understand English। कह रहा है कि इन those days not many people could speak, न तो अधिक लोग इंग्लिश बोल सकते थे आर इवन अंडरस्टैंड या इसे समझ सकते थे। उन दिनों बहुत सारे लोग जो है न तो इंग्लिश बोलते थे और न तो समझ सकते थे। सो व्हेन ही रिटर्न्ड होम आफ्टर 6 मंथ, कह रहा है कि इस प्रकार जब वो 6 महीने के बाद वापस लौटा, अ क्यूरियस, कह रहा है कि अक्यूरियस क्राउड, एक उत्सुक भीड़, आ विलेजर्स, गाँव वालों की, गैदर्ड एट हिज हाउस, गैदर में होता है एकत्रित होना, कह रहा है कि गाँव वालों की एक उत्सुक भीड़ जो है गैदर्ड एट हिज हाउस, उसके घर पर एकत्रित हो गई। टू सी चेंज इन द बॉय, कह रहा है कि लड़के में बदलाव को देखने के लिए। देवर डिसअपॉइंटेड, वे सभी निराश हो गए, तो वे सभी लोग निराश हुए। क्यों निराश हुए, क्योंकि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं था। लोगों ने सोचा कि बहुत काफ़ी परिवर्तन हो गया होगा, यहाँ तक कि एक स्त्री जो उसके सीने पर हाथ फेर करके उसको टच करके देखती है। तो उसके बाद है कि रंगा वास अनविलिंग टू मैरी अ वेरी यंग एंड इमेच्योर गर्ल, कह रहा कि रंगा वास अनविलिंग, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, राजा रंगा जो था वो अनिच्छुक था, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, टू मैरी अ वेरी यंग, एक बहुत छोटी एंड इमेच्योर गर्ल, और अपरिपक्व लड़की से शादी करने की, क्योंकि पहले जो उस वक्त लड़कियों की जो है बाल्यावस्था में ही शादी कर दी जाती है, अराउंड 10 से 12 साल के बीच में। ही वॉज विलिंग टू रिमेन बैचलर, कह रहा है कि ही वॉज विलिंग, विलिंग मीन्स होता है इच्छा करना, और बैचलर मीन्स होता है कुंवारा, कह रहा है कि ही वॉज विलिंग टू रिमेन अ बैचलर, उसने कुंवारे रहने की इच्छा व्यक्त की, अंटिल, जब तक ही फाउंड द राइट गर्ल, जब तक उसे सही लड़की नहीं मिल जाती। He was opposed to arranged marriage. वह अरेंज मैरिज के अपोज था, मतलब वह अरेंज मैरिज के खिलाफ था, रंगा जो था वो अरेंज मैरिज के खिलाफ था। A man should marry a girl, एक आदमी को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए, He admired, करे कि जिसकी वह प्रशंसा करे। That was his clear cut philosophy. यह उसकी जो है क्लियर कट फिलॉसफी थी, मतलब एक स्पष्ट दर्शन था, किसके प्रति, शादी के प्रति, कि व्यक्ति को जो है उसी शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करे। प्रशंसा किससे करेगा, जिससे वह प्रेम करेगा। बट द नरेटर रिजॉल्व मीन्स होता है पक्का निश्चय करना, टू गेट रंगा मैरिड एट द अर्लीस्ट,
कह रहे बट द नरेटर रिजॉल्व, लेकिन नरेटर ने रिजॉल्व निर्णय कर लिया टू गेट रंगा मैरिड, रंगा की शादी करवाने का एट द अर्लीस्ट, मतलब जल्दी से जल्दी उसने जो है रंगा की जल्दी से शादी करवाने का निर्णय कर लिया। करे उसने सो इस प्रकार मैनिपुलेटेड द सिचुएशन, स्थिति को क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया अर्थात स्थिति को बदल दिया। दैट करे कि दैट रंगा सा यंग रत्ना गॉट अट्रैक्टेड टू हर, करा कि दैट जिससे जो है रंगा सा यंग रत्ना, रंगा ने उस युवा रत्ना को देखा, गॉट अट्रैक्टेड टू हर, उसकी तरफ आकर्षित हुआ, एंड विद दिस सैंक्शन ऑफ शास्त्री एस्ट्रोलॉजी, और शास्त्री की एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिषी के सैंक्शन, स्वीकृति करे स्वीकृति के साथ, मतलब जब शास्त्री ने कहा कि उसकी शादी जो होगी किसी समुद्र में पाए जाने वाली किसी चीज़ से संबंधित जिस लड़की से इसकी शादी होगी तो उसका नाम तरत्ना, तो रत्न समुद्र में पाया जाता है, तो वहीं कराया। एक बार मैं फिर से बता दूं, तो इसमें कराया है कि ही करे वह सो इस प्रकार मैनिपुलेटेड द सिचुएशन, उसने क्या किया कि सिचुएशन को बदल दिया। दैट जिससे रंगा सा यंग रत्ना, जिससे रंगा जो है यंग रत्ना को देखा, गॉट अट्रैक्टेड टू हर, उसकी तरफ आकर्षित हुआ, एंड विद द सैंक्शन ऑफ शास्त्री एस्ट्रोलॉजी, और शास्त्री के ज्योतिष से संतुष्ट होने के बाद या उससे अनुमति प्राप्त होने के बाद मैरिड हर, उसने उससे शादी कर ली। यहाँ सैंक्शन मतलब स्वीकृति होती है, मतलब कि ज्योतिष शास्त्र से स्वीकृति मिलने के बाद तो उसने क्या उससे शादी कर लिया, क्योंकि उसने कहा था ज्योतिषी ने इसकी शादी जो है किसी समुद्र में पाए जाने वाली कोई ऐसी वस्तु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई, क्यों एंड हाउ, और कैसे डज द नरेटर कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, क्या होता है षड्यंत्र रचना, कह रहा है किस क्यों और कैसे जो है नरेटर ने षड्यंत्र रचा टू गेट रंगा मैरिड, रंगा की शादी करवाने के लिए, रंगा की शादी करवाने के लिए नरेटर ने किस प्रकार षड्यंत्र रचा। इसका आंसर है कि रंगा वाज यंग, रंगा एक युवा एजुकेटेड पढ़ा लिखा जेनरस उदार एंड प्रॉमिसिंग बॉय और एक होनहार लड़का था, प्रॉमिसिंग बॉय का मतलब होनहार लड़का, बट ही वॉज एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है अटल होना, एडमेंट मतलब होता है अटल होना, बट ही वॉज एडमेंट ऑन नॉट मैरिंग अ वेरी यंग एंड इमेच्योर गर्ल, कह रहा है कि लेकिन वह बट ही वॉज एडमेंट, लेकिन वह अटल था किस पर, ऑन नॉट मैरिंग शादी न करने पर, अ वेरी यंग एंड इमेच्योर गर्ल, किसी छोटी और अपरिपक्व लड़की से, लेकिन वह जो है छोटी और अपरिपक्व लड़की से शादी करने के लिए जो है वो अटल था, क्योंकि उस वक्त जो है लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। सेलेक्टेड बाई हिज पेरेंट्स, करा कि जो लड़की जो है उसके माता पिता के द्वारा सेलेक्ट की जाए, मतलब जिसका चुनाव उसके माता पिता के द्वारा किया जाए, वो लड़की छोटी हो और अपरिपक्व हो, ऐसी लड़की से शादी न करने के लिए वह अटल था। ही वॉज बेंट अपॉन स्टेइंग सिंगल, करा कि वह जो है ही वॉज बेंट अपॉन, वह दृढ़ निश्चय किए हुए था स्टेइंग सिंगल रहने का, मतलब अकेला रहने का, अनटिल जब तक ही फाउंड द राइट गर्ल, करा कि जब तक उसे सही लड़की नहीं मिल जाती, हुम ही एडमायर, जिसकी वह प्रशंसा करता, और प्रशंसा किसके करेगा, जिससे वह प्रेम करेगा। द नरेटर, करा कि कथाकार ने मतलब नरेटर ने रिजॉल्व निर्णय कर लिया टू गेट ही मैरिड, उसकी शादी करवाने का, टू द 11 ईयर्स ओल्ड नीज ऑफ रामा राव, करा कि रामा राव की 11 वर्ष की भतीजी के साथ, उसने जो है नेटर ने रामा राव की 11 साल की भतीजी के साथ तो उसका शादी करवाने का निर्णय कर लिया, किसी शादी का रंगा। सी कुड प्ले द हारमोनियम, वह हारमोनियम बजा सकती थी, एंड इवन हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी एक मधुर आवाज भी थी। द नरेटर ब्रॉट रत्ना एंड रंगा, ब्रॉट ब्रिंग मैंने लाना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म है, कह रहा कि द नरेटर ने रत्ना और रंगा को लाया फेस टू फेस, आमने सामने, एट हिज ओन हाउस, अपने घर पर, कह नेटर ने रत्ना और रंगा को अपने घर पर सामने सामने लेकर आया।
ही roused द बॉयज इंटरेस्ट इन द गर्ल, कह रहा है कि ही roused, उसने जगा दिया द बॉयज इंटरेस्ट, लड़के की रुचि को इन द गर्ल, उस लड़की में. ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा किया कि द गर्ल वॉज ऑलरेडी मैरिड, कि लड़की पहले से ही शादीशुदा है. मतलब नेटर ने कहा कि लड़की पहले से ही शादीशुदा है. बट इट वॉज अ लाई, लेकिन यह एक झूठ था. ही कॉन्स्पायर्ड, उसने षड्यंत्र रचा था विद शास्त्री के साथ टू फर्दर रांगा इंटरेस्ट इन रत्ना, ताकि जो है रांगा की रत्ना में इंटरेस्ट जो है और आगे बना रहे. उसने शास्त्री के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा ताकि जो है रांगा का इंटरेस्ट रत्ना में बना रहे. रांगा वास मेड टू बिलीव, रांगा को यह विश्वास कराया गया दैट कि इवन अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, कि शास्त्रों के अनुसार ही वॉज डेस्टिंड टू मैरी रत्ना, कह रहा कि शास्त्रों के अनुसार जो है ही वॉज डेस्टिंड टू मैरी रत्ना, उसके उसके भाग में जो है रत्ना से शादी करना लिखा है. पंडित जी ने, शास्त्री ने कहा कि जो है शास्त्र के अनुसार तुम्हारी शादी जो है रत्ना से होगी, रत्ना नामक किसी लड़की से होगी. अब एक क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है. ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है. देखिए इसमें कह रहा है कि ब्रीफली नैरेट, कह रहा है संक्षिप्त में बताइए या संक्षिप्त में कथन करिए या कहिए या वर्णन करिए, इसे भी कह सकते हैं. दी मेन इवेंट्स, कह रहा है कि मुख्य घटनाओं का आप दी स्टोरी रांगा मैरिज, कह रहा है कि रांगास मैरिज नामक कहानी के मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त में वर्णन करिए. देखिए इसका आंसर है रांगा इज द सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट, रांगा जो है गांव के लेखपाल का लड़का है. ही बिकम्स अ हीरो, वह हीरो हो जाता है व्हेन, कह रहा है जब ही गोज टू बैंगलोर, जब वह बैंगलोर जाता है फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए, जब पढ़ाई के लिए बैंगलोर जाता है तो हीरो बन जाता है. व्हेन ही रिटर्न्स टू होसाली विलेज, कह रहा है जब वह होसाली गांव में लौटता है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद द पीपुल मेक ए क्राउड एट हिज हाउस, तो लोग जो है उससे घर पर एक क्रय मेक ए क्राउड, एक भीड़ बना लेते हैं, मतलब लोग भीड़ जमा हो जाती है. दे आर क्यूरियस, वे उत्सुक रहते हैं टू सी द चेंज इन हिम, उसके अंदर होने वाले परिवर्तन के प्रति. लोगों ने सोचा कि बाहर पढ़ाई करने के लिए गया तो काफ़ी बदल चुका होगा, पहले जो था गाँव में इतनी शिक्षा नहीं थी, लोगों के पास इतना विवेक नहीं था. बट दे गो बैक डिसअपॉइंटेड, लेकिन वे जो है निराश होकर वापस चले गए. डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना. रांगास व्यूज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, कह रहा है कि रांगा का दृष्टिकोण अबाउट मैरिज, शादी के बारे में, आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, कह रहा है बिल्कुल भिन्नता. आफ्टर हिज स्टे इन द सिटी, कह रहा है कि शहर में उसके रहने के बाद शादी के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था वो बिल्कुल भिन्न था. ही डिक्लेयर्स, उसने कहा, मतलब उसने घोषणा की या कहा कि ही वुड मैरी ए मैच्योर गर्ल, कि वह एक परिपक्व लड़की से शादी करेगा. हुम, जिसे ही हिमसेल्फ सेलेक्ट, जिसका वह स्वयं चुनाव करेगा, एंड एडमायर्स, जिसकी वह स्वयं प्रशंसा करेगा. द नैरेटर श्यामा इज प्रोवोक्ड, कह रहा है कि जो कथाकार श्यामा था इज प्रोवोक्ड, वह उत्तेजित हो गया या जागृत हो गया या प्रेरित हो गया टू गेट हिम मैरिड, उसकी शादी करवाने के लिए टू यंग 11 ईयर्स ओल्ड नीजा रामा राव, कह रहा है कि रामा राव की 11 वर्ष की छोटी भतीजी से उसकी शादी करवाने के लिए जो है जो नैरेटर श्यामा था वह उत्तेजित हो गया. ही कॉल्स बोथ ऑफ देम टू हिज हाउस, कह रहा है उसने उन दोनों को अपने घर पे बुलाया. रत्ना कम्स टू फेच बटर मिल्क, कह रहा है रत्ना जो है बटर मिल्क लेने के लिए आती है, अर्थात रत्ना छाछ लेने के लिए आती है किसके घर, श्यामा के घर, जो कहानी कह रहा है. रांगा हियर्स हर सिंग, रांगा उसके गीत को सुनता है एंड बिकम्स इंटरेस्टेड इन हर, और उसमें जो है वो इंटरेस्टेड हो जाता है, मतलब उसमें वो रुचि लेने लगता है. श्यामा ट्यूटर्स द विलेज शास्त्री, श्यामा जो है गांव के शास्त्री को सिखाता है. हु डिक्लेयर्स,
जो यह घोषणा करता है दैट की द गर्ल कॉल्ड रत्ना कि रत्ना नाम की लड़की इज द राइट मैच फॉर हिम, उसके लिए सही चुनाव है। द मैरिज इज सोलेमनाइज सून, सोलेमनाइज का मतलब होता है संपन्न होना, क्या होता है संपन्न होना, तो करा कि द मैरिज इज सोलेमनाइज सून, करा कि शादी जल्द ही संपन्न होगी, मतलब उन लोगों की शादी जल्दी होगी। रांगा नेम्स हिज फर्स्ट बॉर्न सन, करा कि रांगा ने नेम नाम रखा हिज फर्स्ट बॉर्न सन, अपने प्रथम पैदा हुए लड़के का आफ्टर श्यामा, श्यामा के नाम पर, मतलब उसने अपने जो प्रथम बच्चा पैदा हुआ उसका नाम श्यामा रखा। इट इज़ हिज ट्रिब्यूट, यह उसकी श्रद्धांजलि थी टू द नरेटर, नरेटर के प्रति, क्योंकि नरेटर ने उन दोनों की शादी करवाई थी, इसलिए जो है उसने अपने प्रथम बच्चे का नाम श्यामा रखा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और एक दोबारा और देख लीजिएगा तो पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, विदा होने से पहले मैं एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू।